हेलो एवरीवन, जो आज की जो हमारी कहानी है वो है आइस कैंडी मैन। जो आइस कैंडी मैन जो कहानी है ये बापसी सिद्धू के द्वारा लिखी गई जो कहानी है वो है। बापसी सिद्धू जो है ये पाकिस्तानी अमेरिकन नॉवलिस्ट हैं, और जो बापसी सिद्धू है इन्होंने जो इंडिया पाकिस्तान का जो पार्टीशन था उसके बारे में जो अपने व्यूज़ है वो दिए हैं। उस टाइम पर जो कंडीशन लोगों की हुई उसको उन्होंने अपने जो नॉवल है उसके थ्रू प्रेजेंट करने की कोशिश की है। हमने बहुत सारे जो इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन से रिलेटेड जो नॉवल हैं वो रीड किए हैं, लेकिन हमने वो कभी भी जो अपना पाकिस्तान है उसके प्रोस्पेक्ट से उसको रीड नहीं किया है। जैसे कि ए ट्रेन टू पाकिस्तान है, इसमें जो सिचुएशन प्रेजेंट की गई थी वो जो इंडिया का जो सिचुएशन थी उसको प्रेजेंट किया गया है। लेकिन जो आइस कैंडी मैन है जो बापसी सिद्धू के द्वारा लिखा गया है इसमें उन्होंने जो लाहौर की सिचुएशन है उसको प्रेजेंट किया है। तो जो बापसी सिद्धू है ये एक पाकिस्तानी अमेरिकन जो नॉवलिस्ट है वो हैं, और ये जो पारसी गुजराती जो कम्युनिटी थी उससे बिलोंग करने वाले थे। और जो अपने बापसी सिद्धू है इनका जन्म 11 अगस्त 1938 को हुआ और ये 84 ईयर ओल्ड है। तो इस वीडियो में हम जो आइस कैंडी मैन जो अपना नोवेल है जो कि बापसी सिद्धू के द्वारा लिखा गया है उसके बारे में जानने वाले हैं। जो आज का जो हमारा नोवेल है वो है आइस कैंडी मैन। ये इंडिया पाकिस्तान के पार्टीशन से रिलेटेड है और ये बापसी सिद्धू के द्वारा लिखा गया जो नोवेल है वो है, और ये 1988 में पब्लिश हुआ। और जो ये अपना नोवेल है इसका जो दूसरा जो टाइटल है वो क्रैकिंग इंडिया है। इसको क्रैकिंग इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन जो इसका ओरिजिनल टाइटल है वो आइस कैंडी मैन ही है। तो जो अपना आइस कैंडी मैन है इसमें इंडिया पाकिस्तान का जो पार्टीशन है उससे रिलेटेड जो हमें इंफॉर्मेशन है वो मिलती है। उस टाइम पर जो सिचुएशन हुई थी उसको जो बापसी सिद्धू है उन्होंने प्रेजेंट किया है, और जो ये नॉवल है अपना ये 1988 में पब्लिश हुआ। जो अपनी ये कहानी है ये फर्स्ट नरेशन में इसको नरेट किया गया है, और जो कहानी है वो लैनी के द्वारा नरेट की गई है। जो लैनी है ये एक ऐसी लड़की है जो पोलियो से ग्रस्त है, इसको पोलियो हो गया है, और ये जो व्हील चेयर है उसके ऊपर बैठी रहती है। ये हमेशा चुप रहती है, ये दूसरे लोगों को ऑब्जर्व करती रहती है। ये एक इंट्रोवर्ट जो गर्ल है वो है। तो इसमें जो लैनी है वो फर्स्ट पर्सन के साथ जो अपना जो नॉवल है उसको प्रेजेंट करती है। इसमें जो लैनी है वो उसकी जो मदर है उसका नाम मिसेस शेट्टी है, और क्योंकि जो लैनी है वो चल फिर नहीं सकती है, ये व्हील चेयर के ऊपर बैठी रहती है। तो जो मिस्टर एंड मिसेज पेन है ये इसके ट्यूटर है, इसको टीच करते हैं। इसका एक भाई भी है जिसका नाम आदि है, लेकिन जो आदि है वो स्कूल में जा सकता है, लेकिन जो लैनी है इसे हमेशा अपने घर पर ही रहना पड़ता है। जो लैनी है इसका एक सर्जन है, और जो सर्जन है उसका नाम कर्नल ब्रुचा है। जो कर्नल ब्रुचा है इसके द्वारा जो लैनी है उसका जो उसकी जो सर्जरी है वो की गई है। तो यहाँ पर हमें जो लैनी है उसके बारे में पता चला कि जो लैनी है ये एक इंट्रोवर्ट गर्ल है, और इसके द्वारा सारी की सारी जो कहानी है उसको नैरेट किया गया है। जो ये अपनी कहानी है आइस कैंडी मैन, इसमें जो लैनी है ये अपनी एक आया के साथ रहती है। तो जो लैनी है वो संता नाम की एक आया है उसके साथ रहती है। जो लैनी है उसको जो संता है वो बहुत ही ज़्यादा जो अच्छी है वो लगती है, और जो लैनी है क्योंकि ये एक इंट्रोवर्ट गर्ल है तो ये हमेशा दूसरों को ऑब्जर्व ही करती रहती है। तो जो संता है ये 18 ईयर ओल्ड जो गर्ल है, और ये एक हिंदू गर्ल है, ये अमृतसर से यहाँ पर आई हुई है, और ये जो लैनी है उसकी देखभाल करती है। तो ये देखती है कि जो संता है इसके बहुत सारे जो लवर हैं वो हैं। इस ये जो लैनी है अपना बहुत सारा जो टाइम है वो संता के साथ ही स्पेंड करती है। एक बार जो ये जो लैनी है ये संता के साथ जू में जाती है, और जो भी ये जू में जाती है तो वहाँ पर भी जो संता है उसकी जो ब्यूटी है उसके बहुत सारे जो एडमायरर हैं वो हैं। तो जो संता है आया है उसके बहुत सारे जो लवर है वो वहाँ पर देखती है, और उन सबको वो ऑब्जर्व करती रहती है। जो आया है उसके जो लवर हैं जो उसको चाहने वाले हैं उनमें जो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है उसमें आइस कैंडी मैन है, चाइना मैन है, और पठान है। जो आइस कैंडी मैन है ये एक जो आइस बेचने वाला जो मैन है वो है, लेकिन अब सर्दियों का टाइम है तो जो आइस कैंडी मैन है वो अपना भेष बदल कर जो आया है और लैनी है उनके सामने आता है। तो जो आइस कैंडी मैन है, चाइना मैन है, और पठान है, ये जो अपनी आया है इसको बहुत ही ज़्यादा जो पसंद है वो करते हैं, ये इसको बहुत ही ज़्यादा जो एडमायरर हैं वो हैं।
जो लैनी है अपनी कहानी को बताते हुए बोलती है कि जो लैनी है वो आया के साथ रहती है, वो अपना बहुत सारा जो समय है वो आया के साथ ही गुजारती है। तो बोलती है कि मैं हमेशा जो आया है उसके साथ रहती हूँ, और जब मैं आया के साथ जो जू है वहाँ पर गई थी तो मैंने आया के जो बहुत सारे जो एडमायरर हैं, लवर हैं, उनको देखा और मुझे लगा कि जो ये लोग हैं ये हमेशा ही जो आया है इससे जो लव करते रहेंगे। फिर जो लैनी है वो इमामदीन के बारे में बोलती है, लैनी बोलती है कि जो इमामदीन थे ये हमारे घर में कुक थे और ये एक बहुत ही अच्छे जो इंसान थे वो थे। जो इमामदीन है जब ये अपने घर का सारा काम जो कर लेते थे तो ये अपना जो खाली टाइम है ये बच्चों के साथ स्पेंड करते थे, तो ये अपना जो टाइम है वो लैनी के साथ भी स्पेंड करते थे। एक बार जो लैनी है वो बताती है कि एक बार जो इमामदीन है वो मुझे अपने जो गाँव है उसमें लेकर गए थे, तो जो इमाम है वो मुझे जो पीर पिंडो जो गाँव है वहाँ पर लेके गए, और जो पीर पिंडो जो गाँव है ये एक बहुत ही अच्छा जो गाँव था ये था, और ये जब वहाँ पर गए तो वहाँ पर एक पंचायत लगी हुई थी। ये टाइम लगभग जो 1946 का टाइम था, तो उस टाइम पर जो इंडियन पाकिस्तान का जो पार्टीशन है उससे रिलेटेड जो बातें हो चलती थी। तो सरपंच ने जो पीर पिंडो गांव के जो सरपंच है उन्होंने बोला कि हमारे जो गांव है इसमें हिंदू मुस्लिम सिख सभी जो लव के साथ है, एक जो भाईचारा है उसके साथ रहते हैं, लेकिन इनमें किसी तरह की कभी भी कोई भी लड़ाई होनी नहीं चाहिए है। तो जो वहाँ पर सरपंच है वो एक शीशम के पेड़ के नीचे सभी लोगों को बोलते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए हमारे देश का, चाहे पार्टीशन हो जाए, हम कभी भी एक दूसरे से लड़ेंगे नहीं। यहाँ पर जो लैनी है वो भी जो बातें कर रहे थे उनको वो ऑब्जर्व करती रहती है। इसके बाद जो लैनी है वो इमामदीन के साथ अपने घर पर वापस आ जाती है। फिर जो लैनी है आगे की कहानी को बताते हुए बोलती है कि अब उसको जो सिचुएशन है वो बहुत ही बदल गई थी। उसके बारे में बोलती हुई कहती है कि जो सिचुएशन है बहुत ही बदल गई थी, अब इंडिया पाकिस्तान का जो पार्टीशन है उससे रिलेटेड जो बातें हैं वो शुरू हो गई थी, और इसकी वजह से हिंदू मुस्लिम में जो बहुत ज़्यादा जो लड़ाइयाँ हैं वो होने लग गई थी। और वो बोलती है कि जो लाहौर है वहाँ पर जो लाहौर है वहाँ पर जो मुस्लिम लोग हैं उनको मारा जा रहा था, और मुस्लिम और हिंदुओं के बीच में बहुत ज़्यादा जो लड़ाई है वो हो गई थी, और जो लोग हैं वो अपने घरों को छोड़कर जा रहे थे। और जो लैनी है वो आगे बोलती है कि एक दिन जब जो लोग एक दूसरे से लड़ रहे थे तो उनका जो लैनी है ये पारसी कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले थे, तो इसके ऊपर जो इंडिया पाकिस्तान का जो पार्टीशन था उसका ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा था, लेकिन जो हिंदू और मुस्लिम में जो लड़ाई दंगे हैं बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए थे। तो वो बोलती है कि एक दिन वो अपने घर पर बैठी हुई थी तो वहाँ पर जो उनका घर है उसके सामने एक जो मुस्लिम भीड़ है वो आई, और जो मुस्लिम भीड़ है वो आकर उनसे पूछने लगी कि क्या आपके घर में कोई हिंदू सर्वेंट है। तो जो इमामदीन थे उन्होंने बोला कि नहीं, हमारे घर में कोई भी जो हिंदू सर्वेंट है वो नहीं है। लेकिन फिर उसमें भीड़ में से जो आइस कैंडी मैन है वो बाहर निकलता है और वो लैनी के पास आता है, और लैनी के पास आकर वो बोलता है कि क्या तुम्हारे घर में कोई हिंदू सर्वेंट है। तो जो लैनी है उसे ये लगता था कि जो आइस कैंडी मैन है वो शांता से जो अपनी आया है उसे बहुत ही ज़्यादा जो लव करता है। तो लैनी बोलती है कि मुझे लग रहा था कि जो आइस कैंडी मैन है वो आया से बहुत ही ज़्यादा जो लव करता है, मैंने बहुत बार उसको देखा कि वो हमेशा जो शांता है उसका एडमायरर है वो हमेशा उसको पसंद करता रहता है। तो मैंने उसको बोल दिया कि नहीं, हाँ हमारे घर में जो आया है वो है। और इसके बाद जो बहुत ही बुरी तरह से जो मुस्लिम भीड़ थी उन्होंने जो आया है उसको पकड़ लिया, उन्होंने उसके बालों के साथ पकड़कर उसको खींच लिया। और लैनी बोलती है कि मुझे उस टाइम बहुत ही बुरा लगा कि जो आइस कैंडी मैन जो शांता से बहुत ही ज़्यादा जो लव है वो करता था, आज उसमें इतना गुस्सा है कि उसने जो आया है उसको पकड़ कर खींच लिया है। इसका जो लैनी है उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा जो प्रभाव पड़ता है, इससे जो लैनी है उसको बहुत ही ज़्यादा जो गिल्ट फील है वो होता है। तो बोलती है कि ये जो लैनी है बोलती है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा था जब इमामदीन ने बोला था कि जो आया है वो घर पर नहीं है, तो मुझे भी यही बोलना चाहिए था कि जो आया है वो घर पर नहीं है। लेकिन मैंने सोचा क्योंकि जो आइस कैंडी मैन है वो आया को बहुत ही ज़्यादा जो पसंद है वो करता है, इसकी वजह से जो आइस कैंडी मैन है वो आया को किसी तरह का कोई नुकसान पहुँचाने वाला नहीं है। लेकिन ऐसा रियल में नहीं हुआ, रियल में जो आइस कैंडी मैन है उन्होंने जो आया है उसको बहुत ही बुरी तरह से मारा, उसके बाल पकड़ कर उसको खींच लिया और वहाँ से वो लेकर चला गया। और इसके कारण जो हमारी जो लैनी है उसके ऊपर बहुत
ही जो बुरा प्रभाव पड़ता है, उसकी जो साइकोलॉजी है वो बहुत ही ज़्यादा दुखी रहने लग जाती है। वो एक बार जो वॉशरूम है वहाँ पर जाती है और टूथपेस्ट है उसके साथ जो अपनी जीभ है उसको साफ करने की कोशिश भी करती है। उसे लगता है कि इस जीभ की वजह से जो कितनी प्यारी जो शांता थी वो उससे दूर हो गई है, जो शांता उसके साथ बहुत ही बुरा हो गया है। तो जो लैनी है वो अब किसी भी तरह से जो आया है उससे मिलना चाहती है। उसे ऐसा लग रहा है कि कहीं जो आया है वो किसी मुसीबत में तो नहीं है। तो फिर एक बार जो लैनी का जो कज़न है वो बोलता है कि मैंने आया को देखा था, वो कहीं पर जा रही थी, वो बहुत ही सुंदर जो ड्रेस वो पहने हुई थी। और फिर जो लैनी है वो भी बोलती है कि मैंने भी एक बार जो हमारी आया है उसको गाड़ी में बैठे हुए देखा था और वो एक बहुत ही सुंदर जो ड्रेस वो पहनी हुई थी। उसके बाद जो लैनी है वो किसी भी तरह से जो आया है उसे मिलना चाहती है, वो किसी भी तरह से जो आया है उससे मिलकर उसे माफ़ी मांगना चाहती है। उसे ऐसा लगता है कि उसकी वजह से जो आया है उसको पकड़ लिया गया है, लेकिन रियल में ऐसा नहीं था। जो आया है उसको जो हिंदू मुस्लिम में पार्टीशन की वजह से जो हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो नफरत पैदा हो गई थी उसकी वजह से पकड़ा गया था। जो आइस कैंडी मैन पहले जो उससे बहुत ही ज़्यादा जो लव करता था उसने जो आया है उसको बहुत ही बुरी तरह से पकड़ा, उसे बहुत ही बुरी तरह से मारा। तो इसमें ये बोला गया है कि जब इंडिया पाकिस्तान का जब पार्टीशन हुआ था तो जो लोगों के जो माइंड बिल्कुल ही जो ख़त्म हो गए थे, उसका जो हमारे ह्यूमन बींग है जो पीपल हैं उनके जो माइंड है उसके ऊपर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ गया था। वो अपने जो उनका जो माइंड काम करना बंद कर गया था, उन्हें सिर्फ जो अपना धर्म है वो ही दिखाई देता था। इसमें शुरुआत में जो आइस कैंडी मैन जो आया से है उससे बहुत ही ज़्यादा जो लव करता था, लेकिन जब पार्टीशन का टाइम आया तो उसे ही जो आया है वो एक जो उसकी लव उसकी जो बिलव्ड है वो दिखाई न देकर बल्कि उसको वो एक हिंदू दिखाई दी। और इसकी वजह से उसने जो आया है उसको बहुत ही बुरी तरह से पकड़कर उसको जो हीरा मंडी जो जगह है वहाँ पर डाल दिया। अब जो लैनी है उसको बहुत ही बुरा लग रहा था और वो किसी भी तरह से जो आया है उससे मिलना चाहती थी। तो जो आया है जो लैनी है वो गॉड मदर से मिलने जाती है। जो गॉड मदर है ये एक जो रिलीजियस वूमन है वो है, ये जो रिलीजियस एजुकेशन है वो देती है। और जो ये गॉड मदर है ये लोगों की हेल्प भी करती है। तो जो लैनी है वो गॉड मदर के पास जाती है और बोलती है कि गॉड मदर जो मेरी आया है उसको आइस कैंडी मैन के द्वारा पकड़ लिया गया है और वो कहीं पर भी मिल नहीं रही है। मुझे जो मेरी आया है उससे मिलना है, मुझे जो मेरी आया है बहुत ही अच्छी लगती है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मेरी आया है उसके साथ कुछ बुरा हो रहा है। तो जो गॉड मदर है वो लैनी को विश्वास दिलाती है और बोलती है कि मैं तुम्हारी जो आया है उसको ढूंढ कर जरूर लेकर आऊँगी। इसके बाद जो लैनी और गॉड मदर है वो दोनों के दोनों जो आया है उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं। इसके बाद जो अपनी गॉड मदर है वो अपनी जो पहुंच है उसके साथ जो आया है उससे उसके पास पहुंचने की जो पूरी कोशिश है वो करती है। सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद जो गॉड मदर है उसको पता चलता है कि जो आया है उसको हीरा मंडी जो जगह है वहाँ पर डाल दिया गया है। जो हीरा मंडी जो जगह है वो वेश्याओं की जगह है, वहाँ पर जो प्रोस्टिट्यूट का काम करने वाली जो वुमेन है उनको रखा जाता है और यहाँ पर जो आया है उसको ज़बरदस्ती रखा गया है। और इसकी इन्फॉर्मेशन जो गॉड मदर है वो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को देती है और बोलती है कि जो हीरा मंडी जो जगह है वहाँ पर इलीगल जो प्रोस्टिट्यूशन से रिलेटेड जो वेश्याओं से रिलेटेड जो वर्क है वो हो रहा है। इसके बाद वो पुलिस को इन्फॉर्म कर देती है और पुलिस के द्वारा जो हीरा मंडी जगह है वहाँ पर जो छापा है वो मारा जाता है और वहाँ पर उन्हें जो आया है वो मिलती है। तो यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि जो गॉड मदर है उसने जो अपनी पहुँच है उसके साथ जो अपनी आया है उसको ढूंढ लिया है कि उसे कहाँ पर डाला गया है। वो जो गॉड मदर है वो पुलिस के साथ जो हीरा मंडी जगह है वहाँ पर जाती है। जो हीरा मंडी जो जगह है यहाँ पर जो वेश्याएँ हैं उनको डाला गया है। तो वहाँ पर जाकर वो शांता से मिलते हैं। जो शांता है उसको एक फूलों से भरे हुए एक रूम में वो देखती है। जो रूम है उसमें बहुत ही ज़्यादा जो फूलों की खुशबू है वो आ रही है, लेकिन जब वो आया से मिलते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि जो आया है उसमें कुछ भी नहीं रहा है। उसका जो शरीर है वो एक जिंदा लाश बनकर रह गई है। वो अपनी लाइफ से बहुत ही ज़्यादा जो परेशान है वो है। तो गॉड मदर जो है वो आया से बात करती है। तो जो आया है बोलती है कि मैं अब और यहाँ पर नहीं रह सकती हूँ, मुझे इस जगह से निकलना है। और अब जो शांता है उसको पुलिस के द्वारा एक जो सुरक्षित जगह है वहाँ पर रख दिया जाता है। और जो आइस कैंडी मैन है उसे अब जो अपनी गलती है उसका पश्चाताप हो रहा है, लेकिन अब किसी भी तरह से जो आया है वो आइस कैंडी मैन को माफ़ करने वाले नहीं है।
जो आया है उसको एक सुरक्षित जगह पर रखा जाता है। तो जब जिस सुरक्षित जगह पर आया को रखा जाता है तो उसकी बहुत ही ज़्यादा केयर है वो की जाती है। और यहाँ पर जो आइस कैंडी मैन है वो आया से मिलने के लिए आता है, वो फूल के साथ जो आया है उससे मिलने के लिए आता है। वो सोचता है कि जो आया है वो उससे मिलने के लिए ज़रूर आएगी, लेकिन रियल में ऐसा कुछ नहीं होता है। जो अपनी आया है वो बिल्कुल टूट गई थी। और जब आइस कैंडी मैन उस जगह पर आता है तो जो वह जगह है उसके जो पहरेदार थे वो सिख पहरेदार थे, तो उन सिख पहरेदारों के द्वारा जो आइस कैंडी मैन है उसको बहुत ही बुरी तरह से पीटा जाता है। और उसके कुछ समय के बाद जो आया है उसको, क्योंकि वो एक हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले थी और उसका जो घर था वो अमृतसर में था, तो उसके बाद जो अपनी आया है उसको अमृतसर में भेज दिया जाता है। और उसके बाद जो अपना आइस कैंडी मैन है वो आया का पीछा करते हुए अमृतसर भी जाता है। जो आइस कैंडी मैन है अब उसे अपनी जो गलती है उसका एहसास हो चुका है, वो अब जो अपनी लाइफ है उसमें पश्चाताप करना चाहता है। इसलिए वो एक बार जो आया है उसे मिलने के लिए जाता है। जो आया है उसको जो सुरक्षित जगह पर उसको रखा गया था उस जगह से उसको जो उसका घर है अमृतसर वहाँ पर भेज दिया जाता है। उसके पीछे पीछे जो आइस कैंडी मैन है वो भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। लेकिन उसके पीछे पीछे जाने के बाद भी जो आया है वो कभी भी जो आइस कैंडी मैन के साथ नहीं मिलती है। तो इसी के साथ जो ये अपना नॉवल है ये ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह से जो ये कहानी है ये लैनी के द्वारा इसको नैरेट किया गया है। और जो लैनी है वो अपनी कहानी में जो आया है उसके बारे में बोलती है और जो आया है उसके साथ किस तरह से जो बुरा हुआ है उसके बारे में उन्होंने बोला है। और इसमें ये बोला गया है कि जो आया है उसको जो आइस कैंडी मैन है बहुत ही ज़्यादा पसंद करता था, लेकिन जब इंडिया पाकिस्तान का जो पार्टीशन हुआ तो आया जो है एक हिंदू गर्ल थी और जो आइस कैंडी मैन था वो एक मुस्लिम मैन था, तो उसका जो ब्रेन है वो बिल्कुल वॉश हो चुका था। तो इसकी वजह से उसने कभी ये नहीं सोचा कि जो ये आया है ये वही लड़की है जिसे वो कभी बहुत ही ज़्यादा जो पसंद है वो करता था। लेकिन जब जो इंडिया पाकिस्तान का जो पार्टीशन होता है तो आइस कैंडी मैन जो आया है इसको बहुत ही बुरी तरह से पकड़ता है। उसके बाद वो उसको जो हीरा मंडी है वहाँ पर डाल देता है, और हीरा मंडी में डालने के बाद उससे जो वेश्यावृत्ति वाला जो काम है वो करवाया जाता है। यहाँ पर जो आया है बिल्कुल टूट जाती है, और जो आइस कैंडी मैन है इसकी मदर जो थी वो भी एक वेश्या थी, तो जो आया है उसको ना चाहते हुए भी जो वेश्या वाला जो वर्क है वो करना पड़ता है। इसके साथ साथ जो अपनी राइटर हैं उन्होंने ये बोला है कि जो इंडिया पाकिस्तान का जो पार्टीशन था इसमें ना सिर्फ जो बड़े बड़े शहर हैं उसमें जो पार्टीशन है वो होता था, बल्कि जो अपना एक जो गांव था छोटा सा जो गांव था उसमें भी जो पार्टीशन है उसका जो इफ़ेक्ट है वो देखने को मिलता है। तो हमारा जो गाँव था तो इसके बारे में बताया गया है कि जो लैनी है इमामदीन के साथ पीरपिंडों में गई थी, तो जब शुरुआत में जो पीरपिंडों में गई थी तो वहाँ पर जो सरपंच है वो बोल रहा था कि हिंदू मुस्लिम के नाम पर हमारा जो गांव है इसमें कभी भी कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। लेकिन जब पार्टीशन हुआ था तो यहाँ पर भी जो दंगे हैं वो भड़क गए थे, जो लोग अब एक दूसरे को मार रहे थे। तो यहाँ पर जो छोटे छोटे जो गाँव हैं उसमें भी जो पार्टीशन है उसकी वजह से जो बहुत सारे जो लोग हैं वो मारे गए थे। तो इस तरह से जो अपना ये वर्क है आइस कैंडी मैन इसमें जो इंडिया पाकिस्तान के जो पार्टीशन है उसकी जो रियलिटी है उसको प्रेजेंट करने की कोशिश की है। तो मुझे लगता है कि जो ये कहानी है आपको समझ में आ गई होगी। तो जो कहानी है इसके बारे में कमेंट करके आप ज़रूर बताना कि ये आपको कहानी कैसी लगी, और इसमें जो आया के साथ जो हुआ वो आपको कैसा लगा, और कमेंट करके ये वीडियो कैसी बनी है इसके बारे में बताना। तो और आपको अगर जो ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू।